मैंने आपको जैसा पहला ओनर देखा है जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होने के बाद इतनी नॉलेज रखता है गाड़ी का। मुझे सर्विस करानी है सूरतगढ़, मेरे को गंगानगर आना पड़ेगा, मैं क्यों आऊंगा सर इतनी दूर। तो मुझे क्रेटा नहीं पसंद आई और मुझे यही मॉडल पसंद आया। फुल सैटिस्फाई, एकदम 100% 100% सैटिस्फाई फ्रॉम ग्रैंड विटारा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर एरिया 69। इस वीडियो में अपने आज ओनरशिप रिव्यू करेंगे। जब एक बंदा 18 लाख रुपए एक गाड़ी पे इन्वेस्ट करता है और उसे 10,000 किलोमीटर चला लेता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है गाड़ी को लेकर, क्योंकि जब तक अपने इन प्रैक्टिकल में गाड़ी नहीं चलाई अपने को चीजें पता नहीं लगती कि गाड़िया में क्या खूबियां निखर के आई है या क्या खामियां निखर के आई है। तो इस वीडियो में मेनली ओनर का पूरा प्योर रिव्यू करेंगे कि ओनर कितना सेटिस्फाई है इस गाड़ी को लेकर, और 2023 में आपको इस गाड़ी पे ही क्यों जाना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेनली बड़ा बड़ा बताता हूँ कि आज अपने सामने खड़ी है ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड की टॉप ऑफ द वेरिएंट अल्फा, मतलब स्मार्ट हाइब्रिड में चार एक वेरिएंट अलग अलग आ जाते हैं। अपने सामने जो खड़ा है वो अल्फा है, मतलब टॉप ऑफ द वेरिएंट है। सबसे पहले मैं ओनर से मिलवा देता हूँ आपको। और सर क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजीव, राजवीर सिंह। अच्छा, आपका ऑक्यूपेशन? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, टीचर। अच्छा, टीचर। टीचर हूँ सर। टीचर हो? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होगी। गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को साथ साथ ड्राइव करेंगे, बातचीत करेंगे और इस गाड़ी की पूरी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बंदा गाड़ी लेता है तो वो इसका प्राइस देखता है कि क्या प्राइस मैं लगाऊं कि मेरे को ये गाड़ी मिल जाए। तो आपने कितने स्पेंड किए हैं इस गाड़ी पे मेनली? सर मैंने इस गाड़ी के ऊपर 18,70,000 रुपए की, मुझे ये गाड़ी श्री गंगानगर के अंदर ऑन रोड पड़ी है सर मुझे। अच्छा, एक्सेसरीज है उसके अंदर? नहीं सर, इसमें मैंने 35,000 रुपए की एक्सेसरी ली थी मैंने, जिसमें मेरे को साइड स्टेप वॉल मिल गई, आपको सीट कवर लगवाए हैं मैंने, इसमें एम्प लगवाया गाड़ी के अंदर, सारा कुछ लगा। हाँ जी, हाँ जी सर। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इसी गाड़ी पर क्यों गए? ऐसे आपको इसमें क्या दिख गया या क्या मिल गया या क्या कंपनी वालों ने आपको प्रोवाइड करवा दिया कि आप इस पे 18 लाख रुपए इस पे लगा दिए? सर मैं मार्केट में गाड़ी लेने निकला था, मेरा बजट था 20 लाख रुपए, 15 से 20 के बीच में। मैं जब मार्केट में गया तो मुझे खूब सारी गाड़ियां देखने को मिली, लेकिन जो प्रीमियम नेस मुझे इस गाड़ी में मिली और जो स्टडी लुक मिला इसका और जो नेक्सा का भरोसा, मारुति का भरोसा मिला, वो मुझे और किसी ब्रांड में नहीं मिला। और माइलेज इस गाड़ी की सबसे शानदार, कंपनी ने ये गाड़ी, इस गाड़ी की माइलेज क्लेम की थी 21.11 की, और मुझे ये गाड़ी 19.5 तक की एवरेज अभी तक मुझे ये गाड़ी दे चुकी है, जिसमें मेरी गाड़ी चली 8,000 किलोमीटर अभी तक। और अभी ये माइल्ड हाइब्रिड है ना? ये माइल्ड हाइब्रिड है, कंपनी इसमें दो ऑप्शन दे रही थी, लेकिन मेरी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ मुझे पेट्रोल में चाहिए था तो मुझे ये गाड़ी सूटेबल लगी। पैनारोमिक सनरूफ चाहिए था, उसी यही इसी मॉडल में था, अल्फा में, और किसी में नहीं था। अगर मान लो फुली हाइब्रिड कोई बंदा लेने जाता है तो कंपनी वाले कैसे उसको अट्रैक्ट करते हैं, क्या फीचर्स बताते हैं उसमें, ये चीज? सर देखो, उसमें बैटरी प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी की रनिंग ज्यादा है और जो माइलेज का जिनके लिए इश्यू रहता है वो गाड़ी उनके लिए बनी हुई है। उसमें एक्चुअली में आपको क्या है, ऑटोमेटिक में आती है वो गाड़ी, अपने को मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद था तो मैं वो गाड़ी नहीं ले सकता था, और मुझे इतनी माइलेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि मेरी रनिंग कम होती है। मेन तो वो बम्पर टू बम्पर चलाने के लिए ज्यादा। हाँ, वो जैसे बड़ी सिटी होगी जिसमें ट्रैफिक ज्यादा होता है, जो डेली ट्रैफिक में फंसते हैं वो उनके लिए है, अपने श्री गंगानगर भी तो ट्रैफिक तो है नहीं इतना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे दिल्ली होगा फुल बम्पर टू बम्पर चलती है गाड़ी, टू बम्पर चलती है, ऑटोमेटिक ही आती है वो, ऑटोमेटिक, उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रोवाइड ही नहीं करवाया। अब ये देख लो, इसका फ्रंट कैमरा वर्किंग कर रहा है, ये फ्रंट कैमरा वर्किंग कर रहा है सर, 360 कैमरा। इसमें अपने को 3 व्यू मिलते हैं, साइड का भी मिल गया, फ्रंट का भी मिल गया। ये आपका तब काम करेगा जब आप 10 की स्पीड में चल रहे हो, उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसके ऊपर 10 की स्पीड से अगर आप क्रॉस करते हो तो ये फ्रंट कैमरा बंद हो जाएगा। अच्छा, एक बार करके दिखाना, कैमरा चला के दिखाना, क्वालिटी देख लेते हैं ना, साथ व्यू दिखाना। ये देखिए सर, आपको साइड वाला दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की पूरी दिख रही है, ये आपको फ्रंट कैमरा भी दिख रहा है। देखिए ये बैक दिखा दी, ये बैक इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप, इस सबसे बढ़िया व्यू आ जाता है ये यहाँ पे पूरा, ये गेम, ये 360 व्यू दिखाएगा गाड़ी को, चारों तरफ से ये दिखा रहा है, चारों तरफ से ये दिखा रहा है ना। और ये ओनली बैक है, अब ये फ्रंट का है, ओनली आप फ्रंट देखना चाहते हैं तो ओनली फ्रंट का भी देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपने फुल कैश तो नहीं ली होगी? नहीं सर, गाड़ी मैंने लोन करवाई है SBI से। क्या कुछ EMI थोड़ा बता दो सर? EMI मेरे को 23,000 आ रहा है पर मंथ EMI, जिसमें से मैंने 4.5 लाख रुपए इस गाड़ी की पहले डाउन पेमेंट दी थी। अब बहुत सी जनता का ये क्वेश्चन होता है कि अपने EMI करें तो क्या कुछ पड़ जाता है ना अपने को? सर देखो, EMI आपके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई, मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम लगा है, अगर कोई
फार्मर है तो उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो ज्यादा नहीं कोई 1500 से लेकर 2000 रुपए के बीच का ईएमआई का डिफरेंस आता है, उनको कम लगता है फिर? हाँ नहीं सर, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सबसे कम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट को कम लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कम लगता है। फार्मर का हो गया, आपका कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है उनका थोड़ा डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं होता, महीने का 500-700-1000 रुपए के आसपास का डिफरेंस आता है ईएमआई में। और इसकी पहली सर्विस कितने में बताई हुई है? पहली सर्विस सर कंपनी ने मुझे 1000 किलोमीटर और एक मंथ गाड़ी लेने के अंदर मैंने सर्विस करवानी थी। मेरी गाड़ी एक्चुअली क्या नई नई गाड़ी ली थी, तो 7-8 दिन में ही मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर क्रॉस कर गई थी। अब मैं देख सकता हूँ कि आपने ये 8000 किलोमीटर चला दी, तो आपने जैसे कंपनी वाले बताते हैं जो चीजें वो इसमें प्रैक्टिकल में देखिए, इन प्रैक्टिकल में चीजें जरूर सर, मुझे नेक्सा के जो भी खूबी बताई वो सारी की सारी इस गाड़ी के अंदर खूबी है। क्रूज कंट्रोल मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑफ रोडिंग का तो है नहीं, हाईवे पे चलता हूँ मैं, तो मुझे क्रूज कंट्रोल कंपनी ने ऑप्शन दिया। टिल्ट और टेलीस्कोपिंग मुझे स्टेयरिंग दे दिया कंपनी ने। आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो क्लाइमेट एसी, मारुति का 9 इंच का म्यूजिक स्क्रीन जिसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, और आदमी क्या चाहिए, ABS-EBD वो तो जो आजकल हर गाड़ी में मिलता है। सबसे बड़ी बात 17 इंच का टायर साइज, चारों डिस्क ब्रेक जो मेरी सेफ्टी के लिए। एयरबैग की बात करें तो क्या सर, इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, और मैं सर सेफ्टी पे विश्वास रखता हूँ, तो मुझे 6 एयरबैग वाला ही मॉडल पसंद आया अल्फा। और मुझे स्पेनारोमिक सनरूफ भी चाहिए था, तो मेरी फैमिली में रिक्वायरमेंट थी, आप देखो सनरूफ, सनरूफ क्या शानदार व्यू है सर, देखिए सनरूफ इतना लार्ज स्केल पे सनरूफ किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा अपने को। तो इसी के कोलैब में जैसे टोयोटा की कई गाड़ियां, जैसे ग्लेंजा होगी, हाई राइडर होगी, ये पता है सबको पता है कि मारुति का इनका कोलैब रहता है थोड़ा बहुत। इसमें अब ये ग्रैंड विटारा होगी और उसमें बलेनो होगी, हाई राइडर में क्यों नहीं गए आप? आपको ग्रैंड विटारा ही क्यों आई पसंद सर? हाई राइडर में मैं आपको क्यों नहीं गया, इसका एक मेरा रीजन था। पहला तो मेरा विश्वास था मारुति के ऊपर, वो तो हर इंडियन का है, हर इंडियन का है, तो मैं भी एक इंडियन हूँ, एब्सोल्युटली मेरा ट्रस्ट जाएगा मारुति पे। दूसरा सर एक्चुअली क्या, अपने को गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो टोयोटा का पार्ट्स महंगा मिलता है और हर जगह अवेलेबल नहीं होता सर। मारुति का क्या है, हर 50-60 किलोमीटर के अंदर आपको वर्कशॉप मिल जाएगा। अगर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको, कहने का मतलब ये है भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, कोई भी मिस्त्री आपकी गाड़ी ठीक करके दे सकता है, जो छोटे से छोटा वर्कशॉप हो चाहे बड़े से बड़ा वर्कशॉप हो। टोयोटा का गंगानगर से निकलने के बाद बीकानेर तक कुछ आता ही नहीं है सर, आपको तो इतना टाइम भी नहीं होता कि आप करवा सकते सर। देखो मैंने गाड़ी मेरी सहूलियत के लिए ली है, परेशान होने के लिए नहीं। अब टोयोटा का गंगानगर तो शोरूम है, अगर मुझे सर्विस करानी है सूरतगढ़ तो मेरे को गंगानगर आना पड़ेगा, मैं क्यों आऊंगा सर इतनी दूर। जो मैंने आपको फोन किया था ना, आप आ रहे थे गाड़ी लेके, जी सर, मैंने एक चीज नोट की थी यार, आपने आवाज स्पीकर की बढ़िया तेज चला रखी थी और बढ़िया म्यूजिक सुन रहे थे आप, तो ऐसा क्या पसंद आ गया आपको स्पीकर में आवाज सर? एक्चुअली क्या, मैं म्यूजिक लवर हूँ, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपने पंजाबी कल्चर है तो अपने पंजाबी गाने सुनना पसंद करते हैं। इस गाड़ी में मेरे को प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिली थी, मार्केट में और भी बहुत आती है, लेकिन जो मारुति ने मुझे म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड कराया 9 इंच का, इसमें मैं आपको अगर सुनाऊंगा तो आप गाना सुनना, आपको म्यूजिक सुन के अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, चला नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा जरूर सर, जरूर। हाँ मेन तो ये बात होती है कि स्टॉक में आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, बाहर से तो आप कितने मर्जी लगवा लो। जरूर सर जरूर, मुझे कंपनी ने इसमें 4 स्पीकर, ये आप यहाँ देख रहे हैं, 2 इसमें एडिशनल ट्विटर दिए हुए हैं अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। सर फैमिली के साथ जा रहे हैं, अच्छा मौसम है, अच्छे गाने सुनेंगे, आदमी को नींद भी नहीं आएगी, मूड भी फ्रेश रहेगा, सफर का पता भी नहीं चलता सर, पता भी नहीं चलता जी सर। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने 18 लाख रुपए इस पे स्पेंड कर दिए, जी सर, तो इस प्राइस सेगमेंट में क्रेटा भी आ रहा है, हालांकि इससे थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको, जरूर सर, जो कि राज कर रही है, आपको पता है 2-3 सालों से बढ़िया राज कर रही है बाजार में, जी सर। तो आपने उस पे क्यों नहीं स्पेंड किए? मैं उस गाड़ी को सर, आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है, मैं भी वो गाड़ी देखने के लिए गया था, मुझे भी वो गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन तब मैंने इस गाड़ी का उस गाड़ी के साथ में कंपैरिजन किया, तो मुझे क्रेटा नहीं पसंद आई, वो मुझे यही मॉडल पसंद आया। क्यों, इसमें सर क्रेटा में सनरूफ तो मिलेगा, लेकिन पूरा इतना पैनारोमिक सनरूफ नहीं है वो, इसमें आपको लार्ज स्केल का सनरूफ मिला, क्रेटा से ज्यादा इसमें आपको लेग रूम, हेड रूम, आप देखेंगे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को हेड रूम भी ज्यादा मिल रहा है, लेग रूम भी ज्यादा मिल रहा है, मेरे को बड़ी गाड़ी का शौक था, तो मेरे को इसलिए मेरे को ये गाड़ी पसंद आई, ये क्रेटा से लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, हर चीज में आगे है सर। मैंने आपको जैसा पहला ओनर देखा है, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होने वाला इतनी नॉलेज रखता है गाड़ी का बंदा। सर देखो एक्चुअली क्या, मुझे गाड़ियों का शौक भी है, और हम पहले मेरे पापा भी गाड़ी रख रहे थे, दादाजी के पास में जीप भी थी, तो
सर जेनेटिक भी बोल सकते हैं आप इस चीज को कि वो शौक है, शौक है सर। अपने 18 लाख 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो अपने थोड़ा सा रिसर्च तो करेंगे। और इस गाड़ी के बारे में इतना सुना था, इतना मैंने इस गाड़ी को स्टडी किया, तब जाके मुझे एक मॉडल पसंद आया। पर आपने जितना सुना था उससे तो आपको उससे ज्यादा ही मुझे नेक्सा ने दिया है। फुल सेटिस्फाई, एकदम 100% 100% सेटिस्फाई फ्रॉम ग्रैंड विटारा है जी सर। तो भाइयों आप समझ गए होंगे कि 2023 में इस गाड़ी पे पैसा लगाना क्यों वर्थ है। ओनर की बातचीत देखकर, ओनर के चेहरे पे खुशी देखकर और पूरा सेटिस्फाई ओनर फ्रॉम ग्रैंड विटारा, मतलब वर्थ है यार ये गाड़ी पे पैसा लगाना 2023 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर फर्दर ऐसे ऐसे कार रिव्यूज़ के साथ। ओके गाइस बाय।